हेलो एवरीवन, आज हम लेसन नंबर 26 डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइंस दी गई है ऊपर, जिसको आपको नीचे वाली स्पेस पे कॉपी करना है। यहाँ पे आपको 4 डिज़ाइंस अलग अलग दी है, जो आपको नीचे दी गई जो स्पेस है उस पर ड्रॉ करना है। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, वो अपनी ड्राइंग बुक में ही ये ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे 2, और एक रेक्टेंगल रेडी करेंगे। देखो, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। अभी इसके बराबर पास से हमें सर्कल वाली लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, इस तरह से जब हम जैसे सर्कल बनाते हैं, उसी मेथड का यूज़ करके हम ये लाइन बनाएंगे और रेक्टेंगल से जॉइंट करेंगे। अभी इसके ऊपर हम स्केच पेन का यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज़ किया है। जहाँ पे आपने पेंसिल से ड्रॉ किया, उसके ऊपर ट्रेस कर देना है स्केच पेन को। अभी हम सेकंड वाली डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। एकदम इजी वाली डिज़ाइन है। यहाँ पे हम सी का शेप देंगे, यहाँ पे भी सी का शेप उल्टा, और यहाँ पे साइड पे छोटा सा सी का शेप देंगे। और इसके अंदर हम स्टैंडिंग लाइन स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से एक आपकी डिज़ाइन अलग प्रकार की रेडी होगी। और इसके ऊपर कोई भी स्केच पेन का, कोई भी कलर का आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की स्केच पेन का यूज़ किया है और उसको ट्रेस कर दिया है जहाँ पे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया है। इसी मेथड का यूज़ करते हुए आप कोई भी ड्राइंग्स डिज़ाइंस बना सकते हो। यहाँ पे आपको 4 डिज़ाइन दी गई है, जिसको आपको लर्न करना है। देखो, ये सेकंड वाली कंप्लीट है। अभी थर्ड वाली डिज़ाइन हम बनाएंगे। डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते करके आप एक बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। कोई भी एक डिज़ाइन पसंद कर लो और फिर आप उसको बना सकते हो बॉर्डर। ओके, यहाँ पे हम इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की मदद से एक बॉक्स तैयार करेंगे और बराबर इसके ऊपर क्रॉस लाइन बनाएंगे 2, जिससे हमारा एक क्रॉस तैयार होगा। और यहाँ पे हम 3 लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे आप सर्कल मास्टर का यूज़ कर सकते हो। फिर से नीचे की ओर 3 स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर 3 छोटे छोटे सर्कल। इसको भी हम स्केच पेन की मदद से ट्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपको स्केल का यूज़ करना है। स्केल को अच्छे से पकड़ के लाइंस को ट्रेस करना है आपको। स्केल ही ले नहीं, इसका खास ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी जो लाइन्स है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। देखो, ये हमारी थर्ड वाली डिज़ाइन कंप्लीट है। अभी फोर्थ वाली डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम 3 कर्व लाइन बनाएंगे। कॉर्नर नीचे से ऊपर के कॉर्नर को टच करके देखो, इस तरह से कर्व लाइन बनाई है। हल्का सा कर्व देना है सेकंड वाली कर्व लाइन, और यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर का गेप रखते हुए ऐसी 3 लाइंस बना लेनी है। और इसके बराबर नीचे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे हम। जहाँ पे कर्व लाइन हमने ख़त्म की है, वहाँ से नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे हम
क्रॉस लाइंस बनाएंगे। यहाँ पे हम आधे सेंटीमीटर का गेप रखते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे। आप मेजरमेंट करके भी ये लाइंस बना सकते हो, मैंने ऐसे ही बना दिया है। देखो ये स्केल की जो ऊपर वाली जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं वो सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे 15 नंबर लिखे होते हैं वो सेंटीमीटर कहलाते हैं, और नीचे के नीचे नंबर नहीं लिखे होते हैं लेकिन छोटी छोटी लाइंस बनाई होती है। देखो ये वाली ये इंचिस प्ले करती है। देखो अभी इसके ऊपर हम स्केच पेन कर देते हैं ताकि हमारी फोर्थ डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए अच्छे से। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप डायरेक्टली ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर सकते हो और डिज़ाइंस बनाना सीख सकते हो। तो ये हमारी डिज़ाइंस बनके रेडी है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।